साथियों नमस्कार, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। साथियों मैंने एक दिन आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे जो पेड़ पौधे लगे हैं हमारे घर पे, उन पे जो फल आने चालू हो गए हैं उनके बारे में दिखाऊंगा। तो आज चलिए आपको इसका एक टूर किया जाए। साथियों आप लोग ये सामने शहतूत का पेड़ देख रहे हैं, और शहतूत का पेड़ को करीबन 6 साल हो गई हैं, इसे मैंने लगाया, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पहाड़ी शहतूत है ये। इसका जो शहतूत है वो हरा ही रहता है, और जो हरा ही हरा जो है पक जाता है, बंदर, चिड़ियाँ, बुलबुल और चमगादड़, गिलहरियाँ इसे बड़ा प्रेम से खाती हैं, क्योंकि ऊंचा लगा है तो मैंने तोड़वाया नहीं है और लोग कम खाते हैं तो इसलिए जो है हमारे उपयोग में कमी आता है, वैसे लोग तोड़ के ले जाते हैं। तो इसको 6 साल हो गए, एक तो इसमें जो मेरे हाथ का लगा हुआ पेड़ है ये, और 6 साल में ये अच्छा खासा बड़ा हो गया। लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, शाखा वाखा काट के आप इसका वो एक जो है बेल पड़ाने के लिए बना सकते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी, और ये पहाड़ी शहतूत है। मित्रों यहाँ पे आप एक क्रीपर देख रहे हैं, ये इसे नीम बेल कहते हैं, इंग्लिश में ट्रम्पेट बेल कहते हैं। इसमें फूल देखिए ऑरेंज कलर का आता है, और जो कि ट्रम्पेट एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, जो बारात वगैरह में आपने देखा होगा तो उसकी तरह फूल आता है, तो इसलिए इसे ट्रम्पेट बेल कहते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर लगती है, बहुत तेज़ी से पौड़ती है, आप इसका गेट बना सकते हैं, इसे कोई आकार दे सकते हैं, और बहुत खूबसूरत होती है बेल। साथियों ये जो है आम का पेड़ मैंने टैंक में लगा रखा है, छत पे रखा है, आम पाली नस्ल का है, और इसको करीबन 5 साल हो गई हैं, और आप देख रहे हैं इसमें आम जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है आम इसमें बनने लगे हैं, और इसके आम बहुत बढ़िया होते हैं, खुशबू से आप इसकी नस्ल पहचान जाएंगे। आम में इसकी क्वालिटी की है ऐसे पता चल जाती है, आम में बिल्कुल भी दाग नहीं होता, बहुत बढ़िया आम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने छाट दिया था तो बौर इसमें कम आया इस बार, और आम भी कम बने हैं इसलिए, और शायद मैं गिन भी सकता हूँ 5-6 आम लगे हुए हैं पेड़ भी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूँ अगली बार जो है ज़्यादा आएंगे, और ऐसा होता भी है कि 1 साल जब नहीं आते तो अगली बार बौर अच्छा आता है, और अगली बार जो है आम भी शायद ठीक आए। साथियों ये सामने आप गुलमोहर का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ मेरे हाथ का लगाया हुआ है। गुलमोहर की अच्छी बात ये होती है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता ही है, और आप देख रहे हैं उसमें लाल रंग के जो फूल आ गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चिड़िया आके बैठने लगी हैं। गुलमोहर का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 4 या 5 साल हुए हैं इसको, और ये आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर दिया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए फूल आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर फूल आया है, और भी अंकुरियाँ हैं उस पर भी फूल आएंगे। और आप अगर बहुत तेज़ी मतलब जल्दी चाहते हैं कि पेड़ हो सुंदर सा, तो गुलमोहर का आप लगा सकते हैं, बरसात के मौसम में बहुत बढ़िया तरह से ग्रो करता है। साथियों यहाँ पे मेरे साथ है स्टार ऑफ द शो, जो अंगूर की मैंने आपका कहा कि अंगूर मेरा पसंदीदा जो है फल एक प्लांट है, और देखिए आप अंगूर जो हैं गुच्छे लगे हुए हैं, और काफ़ी इस बार 2 बेलें हैं मेरे घर पर जो मैंने ज़मीन में लगाई थी, उन्हें छत पर लाया, मेहनत करी थोड़ी सी, उसमें थोड़ी मशक्कत होती है कि बार बार गिर रही थी, बार बार उठ रही थी, तो उसके बाद ये छत पे आ गई हैं, और बहुत तेज़ी से फिर क्योंकि धूप मिली तो ग्रो करी इन्होंने, और इस पर एक क्रीपर पे जो है बहुत बढ़िया अंगूर आया है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये देखिए ऊपर देखिए, और ऊपर लगे हुए हैं और पूरे उसमें छाए हुए हैं, और देखिए इस बार कुछ करते हैं, इनको पकाते हैं और आपको खिलाए जाएंगे। दूसरी जो बेल है उसे मैंने छाट दिया था, तो शायद वो बुरा मान गई या फिर पता नहीं क्या हुआ, उसमें अंगूर कम आए हैं, और देखिए अंगूर की छटा आई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। साथियों ये एक सामने कागजी अमरूद रखा हुआ है, अलावादी अमरूद है ये, और ये कलमी है, इसे मैं पिछली साल लाया था, और आप देख सकते हैं कि अमरूद इसमें बनने लगे हैं, और जब भी अमरूद आएंगे तो आपको ज़रूर खिलाए जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे बढ़िया वाले अमरूद आए हैं। मेरे पास एक काला अंगूर भी है, लाल अंगूर कहते हैं ना इसको, वो भी अभी गमले में छत पे काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसे हमने नीचे रखवा दिया है, नीचे लगवा दिया ज़मीन में, और शायद क्या पता उसमें भी आए, लेट आए, तो उसमें भी अगर आया तो दिखाएंगे। वैसे इसका आप देख लीजिए कितना खूबसूरत अमरूद आ रहा है, देखने में भी मालूम पड़ रहा है, और नीचे भी है, क्योंकि एक कागजी अमरूद है, बड़ा बढ़िया निकल गया, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अमरूद जो है इसमें आ जाएंगे। साथियों मेरे घर के बाहर ये एक आम का पेड़ लगा है, ये कलमी आम है, ये मैंने लगाया तकरीबन 6-7 साल हो गई हैं, और इस पर भी आप देख रहे हैं आम लगे हुए हैं, बहुत सुंदर आम लगे हैं। कलमी आम की खासियत है कि उसमें कोई दाग नहीं होता है, और जैसा कि दिखाई भी दे रहा है पेड़ भी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इस पर बौर कम आया है, जहाँ जहाँ आम के पेड़ लगे मैंने ये गौर किया कि बौर जो इस साल कम आया है, और शायद उसके कोई वजह रह सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रह सकती है,
तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार अच्छा आएगा, लेकिन ये आम टूट जाएंगे, रोड के कितने किनारे लगे हैं, लोग काम करने वाले शायद इसको ले जाएं। अच्छा साथियों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामने आप देख सकते हैं एक बेल का पेड़ लगा हुआ है, उस पर बेल लटके हुए हैं, ऊपर देखिए अब बड़ा खूबसूरत पेड़ है। शिवरात्रि जब आती है तब इसमें जो है लोग बेल पत्री तोड़ के ले जाते हैं, तब इसका बड़ा काम आता है पौधे होकर, तो ये बेल इस पर लग के छोटे वाले हैं, इसका शरबत नहीं बनाया जा सकता, वरना मैं आपको शरबत पिलवाता इसका, लगा था मम्मी ने लगाया था ये पेड़। साथ ही मकान पे देखिए मधुमालती बेल लगी हुई है, और इसका फूल है दो कलर में है, लाल और सफ़ेद, और बड़ा खुशबूदार फूल होता है। गर्मियाँ आ गई हैं अब, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी भी और बहुत ज़्यादा फूल देती है गुच्छों में, मतलब एक पला भर टोकरी भर फूल आपको मिल जाएगा, इससे खुशबूदार होता है इसका पेड़ और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप इसके कलम भी लगा सकते हैं, और देख रहे हैं आप कैसे गुच्छों में ये छा गई है,